तो नमस्कार दोस्तों, गायत्री एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स, है ना। इसका नाम कायदे से बेटा सेट थ्योरी है, ठीक। इसका ओरिजिनल नाम क्या है बेटे? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में शुरू करने से पहले हम इस पर एक बातें करना चाहेंगे, ठीक। फादर ऑफ सेट थ्योरी, फादर ऑफ सेट थ्योरी किन्हें कहा जाता है? ये भाई साहब है हमारे पास जॉर्ज कैंटर, ठीक। बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियंस में से एक, इन्होंने ही सेट थ्योरी को डेवलप किया था, ठीक। इसलिए इन्हें फादर ऑफ सेट थ्योरी भी कहा जाता है। अब जब सेट थ्योरी की बात कर ही ली है तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी डेफिनेशन है? सेट्स की डेफिनेशन है। सुनिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कुछ बताने वाला हूँ, ठीक। क्या है, बहुत सी बातें हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, ठीक, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे इसकी एक डेफिनेशन, कई लोगों ने आपको बताया होगा वेल डिफाइंड की मीनिंग वगैरह वगैरह, हम देखते हैं। लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं वो क्या इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है? पहले तो इस तरीके से लिखा जाता है क्या, इन मैथमेटिक्स, ठीक। इस बात को लिखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन मैथमेटिक्स। फिर लिखेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, ठीक। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, लेकिन ये वर्ड याद रखना इन मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स में इस बात को किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और कि चाहे तो आप नोट डाल सकते हैं कि बाय वेल डिफाइंड हमारा क्या मतलब होता है। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन, देयर इज नो कन्फ्यूजन, या फिर एक और इसका सिनोनिम इस्तेमाल किया जा सकता है एम्बिग्यूटी, है ना, एम्बिग्यूटी इन एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक। हियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज मेंबर्स ऑल्सो, है ना। यहाँ पे हम मेंबर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम उन्हें एलिमेंट्स भी बुला सकते हैं। अब सुनिएगा, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको एक वर्ड जो दिखा वेल डिफाइंड, इससे पहली बात जानते हैं क्या साबित होती है? पहली बात ये साबित होती है कि हमारे पास सेट की कोई ओरिजिनल डेफिनेशन तो है ही नहीं। जी हाँ, आप सुन रहे होंगे, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर आपने डेफिनेशन डाला है। जी हाँ, हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन इसकी है ही नहीं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अभी कायदे से बना नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचिएगा, जब किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसमें कभी भी वेल डिफाइंड वर्ड यूज़ किया नहीं जाता है। डेफिनेशन को डिफाइन करते समय कभी भी वेल डिफाइंड इस्तेमाल नहीं किया जाता बेटा। जब किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं तो वेल डिफाइंड वाला जो वर्ड होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है? वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि उसे यूज़ करना सही बात नहीं होती। यानी कि कुछ ये तो ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है तो आप अपना एड्रेस भी एड्रेस की मदद से बता रहे हो। जैसे भैया किसी ने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आपने बोल दिया भावना परिसर के सामने। किसी ने बोला अच्छा ठीक है, भावना परिसर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने। तो आप अपने एड्रेस को भी इन टर्म्स ऑफ किसमें बता रहे हो? एड्रेस बता रहे हो, यानी कि क्लियरिटी नहीं आ रही, वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन, इसका मतलब यही होता है, ठीक। अच्छा, फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन इसकी नहीं है। तो सर ये किस तरीके की डेफिनेशन है? तो मैं यहाँ पे एक बात लिख दे रहा हूँ, पहली बात जो लिखने जा रहा हूँ कि इट इज नॉट अ डेफिनेशन, इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ अ सेट। सर डेफिनेशन नहीं है तो क्या मजाक चल रहा है? नहीं, सुनिएगा, ये डेफिनेशन है, लेकिन किस तरीके की डेफिनेशन है वो लिख रहा हूं। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ सेट। क्या इन दो लाइनों में आपको मीनिंग समझ में आई? क्या कि ये डेफिनेशन नहीं है सेट की, लेकिन
क्योंकि इसको कई लोगों ने एक्सेप्ट किया, कई मैथमेटिशियन ने इस बात को साबित करने की कोशिश करी कि भैया एक काम करिए, सेट की कुछ तो डेफिनेशन हमें बतानी पड़ेगी आगे चल के किसी को। तो ये सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और हम इसका निरंतर क्या करते जा रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ सेट, इसलिए हम इसको डेफिनेशन ऑफ सेट में लिखते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रहे आपको, जब किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसमें वेल डिफाइंड लिखना रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि जब आप ऐसा कर रहे हो, यानी कि आपको कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन में संशोधन करने की जरूरत है, कंफ्यूजन है कि आने की अभी उसकी प्योर डेफिनेशन बनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो वेल डिफाइंड लिखने का मतलब ही यह था कि यहां पे भाई साहब पहली बात तो दिक्कत चल रही कि हमारे पास कोई प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेट नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात, वेल डिफाइंड का मतलब एक और क्या होता है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक, इसको आप एज अ नोट डाल सकते हैं कि नोट क्या, कि वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जब आपको कोई कलेक्शन दिया जाए, आपको क्या दिया जाए, कोई कलेक्शन दिया जाए और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बैठा दिया जाए, तो उन्हें वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कलेक्शन के लिए रूल बनाया जाएगा, कलेक्शन के लिए क्या बनाया जाता है, रूल बनाया जाता है, जैसे आपको वॉवल्स सिलेक्ट करने हैं, क्या सिलेक्ट करने हैं, वॉवल्स, कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, अल्फ़ाबेट से। तो जब आप ऐसा रूल सुनेंगे तो आप सबको पता है कि अल्फ़ाबेट्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एक वॉवल्स होते हैं। तो वहाँ पे बैठे जितने भी लोग होंगे उनके मन में ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि वॉवल कौन होगा और कॉन्सोनेंट कौन होगा, यानी कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किस तरीके से वो काम किया जाए। लेकिन वहीं पर मैं एक सेट लिख रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर मैंने बात लिखी कलेक्शन ऑफ, रुकिएगा है ना, बहुत कायदे से सुनिएगा, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, और इसके आगे भी हम बात करेंगे, आप लोग उनमें से कईयों को आंसर पता है आई नो, लेकिन जरा इस पे आप ठहरिएगा, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन दिस क्लास, क्या लगता है सेट है कि नहीं? तो नहीं, हम बोलेंगे सिंपल सी बात, इट इज नॉट अ सेट। तो यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, सुनिएगा जरा ध्यान से, यहीं पे बात खत्म नहीं होती, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज रूल फॉर कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, रूल फॉर कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। जी हाँ, अब सुनिएगा जरा एक बात और, यदि मैं यहीं पे है ना, ये मेरे पास इस तरीके से मैं स्टार बना दे रहा हूँ, और अगला स्टार हमारे पास ये रहा भाई साहब, ठीक, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यही वाली डेफिनेशन फिर से लिख रहा हूँ, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, यही एग्जांपल, पर जरा सुनिएगा, कलेक्शन ऑफ क्या लिखा है हमने, गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, और इसके आगे मैं रूल बना रहा हूँ, यहाँ पे रूल वेल डिफाइंड नहीं था ना, अब मैं इस रूल को थोड़ा वेरीफाई कर रहा हूँ, वंस हु हैव स्कोर्ड 55%, वंस हु हैव स्कोर्ड 55% इन एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री पीरियोडिक टेस्ट ऑफ दिस ईयर। अब जैसे ही मैं इस कलेक्शन में इस रूल को ऐड कर देता हूँ, कौन से रूल को, यहाँ से ये मैंने रूल ऐड किया है, क्या कि वंस है ना, वंस हु हैव स्कोर्ड 55% इन एटलीस्ट वन ऑफ थ्री पीरियोडिक टेस्ट ऑफ दिस ईयर, हमने ये रूल जोड़ दिया, यानी कि अब मैं उन्हें गुड स्टूडेंट्स बोलना चाह रहा हूँ जिन्होंने है ना, इस क्लास के उन स्टूडेंट्स को मैं गुड स्टूडेंट्स कहूँगा जिन्होंने इस साल में होने वाले जो तीन पीरियोडिक टेस्ट हैं उनमें, तीन पीरियोडिक टेस्ट में कम से कम किसी एक पीरियोडिक टेस्ट में कितना परसेंट स्कोर किया हो, 55% स्कोर किया हो। तो क्या लगता है, अब ये कलेक्शन बेसिकली क्या बन चुका है, वेल डिफाइंड हो चुका है, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो जी हाँ, इसने किस चीज़ को पा लिया भाई साहब, इसने एक नया नाम पा लिया कि अब ये आज से क्या कहलाएगा, सेट। तो सुनिएगा, बेसिकली जब ऊपर इसी बात को लिखा था है ना, यानी कि जब मैंने अर्लियर ये वाला जो लिखा था, ये वाली चीज जो लिखी थी, ये बेसिकली सिर्फ एक प्रकार का क्या था, कलेक्शन था, ये क्या था, सिर्फ कलेक्शन, और कलेक्शन का जो रूल है वो कुछ भी
हो सकता है, ठीक। लेकिन यदि वो रूल वेल डिफाइंड नहीं है तो सिर्फ क्या रह जाता है, कलेक्शन रह जाता है। और यदि वो जो कलेक्शन का जो रूल है वो क्या हो जाए, वेल डिफाइंड हो जाए, तो किस में बदल जाता है, सेट में बदल जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बड़ा अनिवार्य है, ठीक। अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा, यदि ये बात समझ में आई है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और है ना जो मैं सबको समझाता हूँ, लिखने का क्या तरीका होता है, क्या कि कभी कभी हम वेल डिफाइंड को है ना इन द सेंस ये भी बोल देते हैं, व्हेन पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज, है ना, शॉर्ट वे में इस तरीके से ही बताया जाता है, व्हेन पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज, तो हम उस चीज को भी क्या बोल देते हैं, वेल डिफाइंड बोल देते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने एक सेट ले लिया है, ठीक, मैंने एक कलेक्शन लिया है, क्या कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक। क्या लगता है बेसिकली ये सेट है कि नहीं है, तो आप में से कितने लोग बोलेंगे, जब मैं बात करूंगा किसकी, एक बात बता दूं मैं आपको, जब हम बात करेंगे किसकी, इंडिया की बात करेंगे ना, सिर्फ इंडिया की, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इंडिया में नेचुरल नंबर्स को क्या कहा जाता है, कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो पूरे इंडिया में मैं कहीं भी जाऊँगा, है ना, मैंने इंडिया जानबूझ के बोला है आपको समझाने के लिए, मैं पूरे इंडिया में कहीं भी जाऊँगा, किसी भी जगह जाऊँगा, इंडिया के किसी भी कोने में जाऊँगा, तो जब भी मैं नेचुरल नंबर बोलूँगा ना, तो नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। लेकिन वहीं पर यदि मैं चला गया कहाँ पर, USA में चला गया, ठीक, यदि USA गया तो भैया उनके लिए नेचुरल नंबर का मतलब होता है कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। कितनी बात समझ में आ रही है, जी हाँ, उनके यहाँ एक्चुअली बेसिकली पहला नंबर सिस्टम जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, उसको ही वो नेचुरल बोलते हैं, ठीक। सर ऐसा क्यों, देखिए 0 की खोज भारत में हुई है, ये बात आपको पता है, ठीक, तो 0 की खोज हुई है, इसलिए हमारे यहाँ नेचुरल नंबर के बाद एक और नंबर सिस्टम होता है, वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, होल नंबर सिस्टम होता है, लेकिन उन्हें तो फ्री में मिल गया, मुफ्त में मिल गया, तो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, हम जब बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में हर पर्सन के लिए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हमेशा यही सेट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मैं चाहे किसी से भी पूछ लूँ, ठीक। लेकिन जब मैं बोल देता हूँ क्या कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर, मैं बोल दे रहा हूँ कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर, तो आप जानते हैं बेस्ट प्लेयर हर किसी का नज़रिया अलग अलग है, किसी की नज़र में कोई और बेस्ट है और किसी की नज़र में कोई और बेस्ट है, तो ऐसे वर्ड जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, ये वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, क्या बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है व्हेन पर्सन टू पर्सन कोई चीज़ चेंज ना हो। क्या लगता है, पूरे इंडिया में जब कहा जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या कभी ये सेट चेंज होगा, नहीं, ये सेट कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कैसा है, वेल डिफाइंड है, यानी कि इसके एलिमेंट्स को जब मैं चेक कर रहा हूँ, तो किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो रहा है, क्या उसमें 1 होगा कि नहीं होगा, बेसिकली वहाँ पर किसी भी हालत में 1 होगा ही होगा, 2 हो गई होगा, -1 कोई नहीं रखेगा इस सेट में, -2 कभी नहीं रखेगा, यानी कि वो जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, उस डेफिनेशन में आपको एक बात दिख रही होगी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मतलब होता है निकाल फेंकना, इंक्लूजन मतलब होता है इंक्लूड कर लेना, ठीक। तो जब हमें कोई कलेक्शन दिया जाए और उस कलेक्शन के रूल के मुताबिक जितने भी पर्संस वहाँ पे बैठे हैं वो सब इस बात से सहमत हैं कि उन्हें ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि नेचुरल नंबर के सेट में 0 नहीं आएगा, ठीक, नेचुरल नंबर के सेट में -4 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर के सेट में 1/2 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 4 आएंगे, उन सबको जब ये बात क्लियर है, यानी कि वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न पैदा नहीं है, वहाँ कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है रूल को लेके, कलेक्शन का रूल क्या है, ये रहा कलेक्शन का रूल, कि क्या रूल है कि हमें क्या सिलेक्ट करने हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर सिलेक्ट करने हैं, उनको इस रूल से कोई भी कन्फ्यूज़न पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड हो जाएगी, जिसको एक वर्ड में और क्या कहा जाता है, व्हेन पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या चेंज नहीं हो रहा है, व्हेन पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं हो रहा है, व्हेन सेट इज नॉट चेंजिंग पर्सन टू पर्सन इज कॉल्ड व्हाट, वेल डिफाइंड। तो नॉट वेल डिफाइंड का मतलब भी आप समझ गए होंगे, नॉट वेल डिफाइंड का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि नॉट वेल डिफाइंड का मतलब होता है जब कोई बात पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक।
पर्सन टू पर्सन इट विल बी चेंज, है ना। यानी कि सबके लिए सेट्स अलग अलग फॉर्म होंगे, सेट्स क्या होंगे, अलग अलग फॉर्म होंगे, इसलिए बेसिकली वहां पे सेट वर्ड यूज करना सही नहीं होगा, वो बेसिकली सिर्फ क्या रह जाएगा, कलेक्शन रह जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना बड़ा अनिवार्य है। अच्छा, एक चीज और जो बतानी है मुझे कि एक इसमें कॉन्सेप्ट में लिखने वाला हूं, आखिरी कॉन्सेप्ट है ये, क्या कि कलेक्शन ऑफ या फिर लिख सकते हैं क्या, सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। सुनिएगा जरा, मैं जानता हूं आप लोगों के मन में आ गया होगा सीधे एम्प्टी सेट, नहीं मैं बताना चाह रहा हूं कुछ, सिंस एम्प्टी कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सो वी मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट। क्यों भाई साहब, ये क्यों लाइन लिखी, सुनिएगा। एक चीज होती है मानी हुई, एक चीज क्या होती है, मानी हुई होती है, और एक चीज होती है जो कि मान लो किसी डेफिनेशन का कोई रिजल्ट हो, ठीक। तो क्या लगता है आपको, एम्प्टी सेट माना हुआ सेट है कि बेसिकली ये एक डेफिनेशन का रिजल्ट है? तो जरा सुनिएगा, ये बेसिकली डेफिनेशन का रिजल्ट है। क्यों भाई साहब, क्यों? क्योंकि यहां पे एवरी, मैं लिख रहा हूं इसके लिए, एवरी टेस्टिंग एलिमेंट हैव टू बी एक्सक्लूडेड, एवरी टेस्टिंग एलिमेंट हैव टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक। बात समझ में आई, क्या लिखा है यहां पे, जितने भी टेस्टिंग एलिमेंट हैं उन सबको किसी भी हालत में, वो जो रूल है वो रूल कुछ इस तरीके का है कि उस रूल के लिए जितने भी एलिमेंट टेस्ट किए जाएंगे वो सब वहां से एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी कि वो उस रूल के ऊपर फिट बैठेंगे नहीं। तो एवरी टेस्टिंग एलिमेंट हैव टू बी एक्सक्लूडेड, हेंस इट इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज वेल डिफाइंड। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्योंकि हम हमेशा किसको चेक करते हैं, हम हमेशा एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि वेदर वहां पे एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक। यदि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो हर बार क्या हो रहे हैं, एक्सक्लूड हो रहे हैं, और एक्सक्लूड क्यों हो रहे हैं, उस रूल के तहत हो रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रूल के तहत हो रहे हैं, जिसके कारण उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं समा पा रहा है, यानी कि हमारे पास एक एम्प्टी कलेक्शन होता है जो कि कैसा होता है, बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। इसलिए हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक। तो बेसिकली इसको किस तरीके से, यहां पे भी कई लोग बहुत गलती करते हैं, इट इज, मैं पूरी बातें क्लियर करूंगा, इट इज डिनोटेड बाय एक इस तरीके के लेटर से इसको पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसको बुलाया क्या जाता है भैया, इसको बुलाया जाता है फाई, ठीक। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये फाई नहीं है, ठीक, आपको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि ये फाई नहीं है। क्यों भाई साहब, याद करिएगा, सुनिएगा बात को, डेनमार्क में है ना, डेनमार्क की जो लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट होती है, डेनमार्क की लैंग्वेज की जो क्या होती है भैया, स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट का जो वॉवल है ना वो है ये लेटर। तो सर फाई क्या है, सुनिएगा, इसको रीड एज फाई किया जाता है। बेसिकली फाई ऐसा होता है, सीधी लाइन होती है, ये एम्प्टी सेट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं बेसिकली, जिसमें लाइन टेढ़ी बनाई जाती है, इसको रीड क्या किया जाता है, फाई किया जाता है, पर ये फाई होता नहीं है। ये डेनिश लैंग्वेज है ना, डेनमार्क में यूज होती है, कौन सी लैंग्वेज, डेनिश लैंग्वेज, ठीक, डेनिश लैंग्वेज बोल दीजिए, डेनिश लैंग्वेज जो कि कहाँ यूज होती है, डेनमार्क में। तो उनकी लैंग्वेज में जो स्क्रिप्ट होती है, जैसे हमारे स्क्रिप्ट में कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवल होते हैं ना, उनके यहाँ भी स्क्रिप्ट में कॉन्सोनेंट और वॉवल होते हैं, तो ये वहाँ का क्या है, एक वॉवल है, लेकिन हम इसको क्या रीड करते हैं, फाई, जबकि फाई ये होता है, ठीक। और फाई आपको सभी को पता होना चाहिए किस तरह का लेटर होता है, ग्रीक लेटर होता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक। इसको फाई हम पढ़ते हैं और इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, फाई, इस बात का ध्यान रहे। एम्प्टी सेट के लिए बनाया जाता है, लेकिन हाँ, नो डाउट आपने इस लेटर को भी अब एम्प्टी सेट के लिए देखना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कई राइटर्स अब ये वाला लेटर इस्तेमाल करते हैं, एनसीईआरटी में भी इवन आपको ये लेटर दिख जाएगा, पर जो ओरिजिनल लेटर था वो ये था, फाई।
ठीक, जिसको हम पढ़ते हैं फाई, पर ये फाई नहीं है, वो उनकी लैंग्वेज का क्या था, एक वॉबल था। जैसे हमने बोला कि भैया जितने भी एलिमेंट हैं वो टेस्ट जब किए जाएंगे तो किसी भी हालत में क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ नहीं पाएगा। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड रूल है। क्या है ये, वेल डिफाइंड है। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूँ, सिंपल सा, क्या मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन टू। तो बताइए कितने एलिमेंट आ पाएंगे। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, हम जानते हैं प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर का एक पार्ट होते हैं। वो कहाँ से शुरू होते हैं, हम जानते हैं सर, वो शुरू होते हैं टू, फिर आ जाता है थ्री, फिर आ जाता है फाइव, फिर आ जाता है सेवन। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, प्राइम। लेकिन उन्होंने बोला है ऐसे नंबर्स का कलेक्शन चाहिए जो कि प्राइम होने चाहिए, तो ये रहे सारे के सारे प्राइम। लेकिन वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन टू होने चाहिए, ठीक। तो अच्छा, एक चीज़ और, कलेक्शन ऑफ यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ बेसिकली टू बस एक लौता आपको दिख रहा होगा कौन सा नंबर है, इवन प्राइम नंबर होता है टू, ये बेसिकली एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। और हमें बोला जा रहा है टू से बड़े जितने भी इवन प्राइम नंबर उन्हें लिख दो। तो क्या लगता है, आपके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट जा पाएगा क्या, आपके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं जा पाएगा। तो ये रूल वेल डिफाइंड है। ये रूल कैसा है, वेल डिफाइंड है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया है एम्प्टी कलेक्शन से, कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, एम्प्टी सेट का। क्योंकि बेसिकली एम्प्टी कलेक्शन कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। तो ये एम्प्टी कलेक्शन बेसिकली एक रूल है जो कि कैसा है, वेल डिफाइंड है। तो सेट की डेफिनेशन का रिजल्ट होता है एम्प्टी सेट। सेट की डेफिनेशन का क्या होता है, एक रिजल्ट होता है एम्प्टी सेट। इसको माना नहीं गया है कि माना गया है कि एम्प्टी सेट जैसा मान लीजिए कोई होता है जिसके अंदर कोई नहीं होता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ये उसी डेफिनेशन को फॉलो करके बना हुआ है एम्प्टी सेट। और एक आखिरी बात कि एम्प्टी सेट को और क्या कहा जाता है, नल सेट भी कहा जाता है या फिर वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक। तो अभी के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर हम बात करेंगे इसके आगे के नए लेक्चर्स में, और भी आपके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।